बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम की व्यूअर्स, कैसे हैं जी? ये देखिए, ये 26 जुलाई, आयशा को ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, उसको मैं ब्लड लगवाने के लिए ये देखिए थैलेसीमिया सेंटर में ले गई। उस आयशा को एनीमिया है, थैलेसीमिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे जिनको थैलेसीमिया है, एनीमिया के बच्चे भी आए हुए थे, कुछ बड़े कुछ छोटे, बस बच्चे तो एक ही फैमिली के, एक ही घर के तीन तीन बच्चे, चार चार बच्चे, ठीक है, इस हवाले से थे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों को आगाही देने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों का, ऐसी फैमिलीज का ख्याल रखा करें, स्पेशल उनको दुआओं में याद रखें। हाँ, ये देखिए, मैंने पहले आयशा का हेमाटोलॉजिस्ट और दो ने उसका टेस्ट उसको चेकअप कराया, फिर हमने उसका यहाँ पे उसका ये देखिए उसके लिए क्रॉस मैच के लिए यहाँ पे हमने उसका ब्लड सिस्टर ने लिया, फिर उसका क्रॉस मैच हुआ, फिर उसका ब्लड आया, ब्लड अरेंज हो गया। अभी उसको ब्लड अटैच हो रहा है इस वजह से कि थैलेसीमिया में उसको सेंटर में उसको ब्लड लगवाया ताकि वहाँ पर दांतों की देरी निगरानी उसको ब्लड लग जाए। बहुत मुश्किल काम मरहला था हमारे लिए जब आयशा को ब्लड लगता है। ये साल में उसको एक दफ़ा लगता है, इस दफ़ा उसके एग्ज़ाम हो रहे थे 6th क्लास के, तो उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया एग्ज़ाम का, तो उसको ब्लड की ज़्यादा कमी हो गई, उसको बुखार हो गया। जैसे ही उसका बुखार ठीक हुआ हमने उसको ब्लड लगवाया। अब पहले दिन मैं आपको बता दूं, मैंने जब उसकी HB कराई थी उसकी 3.8 थी, सोची 3.8, मैं तो दहल गई एकदम से, मुझे सक्का सा हो गया कि इतनी कम HB उसकी, इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रही थी, इसलिए उसको वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली ड्रिप के बाद उसकी HB कुछ बेहतर हुई, उसकी थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा नॉर्मल हुई, तो उसके पेन वगैरह ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर सलामती, इसलिए उसको ब्लड भी लग गया सारा, उसका ये जो था पूरा एक प्रोसीजर आराम से स्कूल से हो गया, लेकिन ब्लड ने तंग किया, जो फ्रैक्चर्स लगते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा उसमें रुक रुक के चलने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। पहले दिन हम सुबह 9 बजे के गए हुए, हम शाम को 6 बजे वापस घर आए, 1 बजे उसको ब्लड लगा और 5:45 तक अल्हम्दुलिल्लाह खैर सलामती से ब्लड उसको लग गया। उसके बाद हमने उसका वहाँ पे उसका उसको थोड़ी देर उसको रेस्ट कराया ताकि वो रेस्ट करे वहाँ पे, थोड़ा सा उसका अल्लाह अल्लाह न करे कोई उसका साइड इफेक्ट हुए, ब्लड का रिएक्शन हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सारा कुछ ठीक ठाक आराम से हो गया, बिल्कुल खैर सलामती से सारा कुछ उसका हो गया। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत, मैं इस सिस्टर को दाद देना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ठंडे मिजाज की, आराम आराम से प्यार से बात करने वाली थी, हर पेशेंट को प्यार से दिली थी। यही चीज़ हमें चाहिए कि स्पेशल बच्चे जो दिन को चाहिए सुनने के लिए उनको प्यार से बिहेव किया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे इतने छोटे थे कि जो जिनको थोड़ा सा ऊंचा बोलते थे वो पेल हो जाते थे, एकदम सहम से जाते थे, डर से जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ बहुत अच्छा, डॉक्टर्स बहुत अच्छे, माहौल बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इतनी लोगों ने मैनेज किया कि सही तरीके से उसको कर लेते हैं। बावकात ये होता है कि कुछ बच्चों का ब्लड अरेंज नहीं हो रहा था, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि भी हो जाता है। लेकिन आप लोगों से इतनी एक रिक्वेस्ट ये भी करनी थी कि प्लीज़ ऐसे बच्चों के लिए पढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें, उनको ब्लड अपना डोनेट किया करें ताकि उनकी थोड़ा सा टाइम थोड़ी जाए सुकून से गुजर जाए। इसके बाद जी हमने इसका आशा को जैसे ही ब्लड उतरा तो हम लोग घर चले गए। उसके बाद हमने उसको दरमियान में एक दिन के गैप के बाद हमने उसको दोबारा उसका वो कराया, दोबारा हम हॉस्पिटल में आए और उसको ब्लड वगैरह लगा, फिर हमने उसको दोबारा क्रॉस मैच कराया, सारा कुछ वही रूटीन टाइम हुआ, बिल्कुल आराम आराम से सुकून से ब्लड लगा उसका। ये देखिए ना जी, उसका ब्लड जब उसका ख़त्म होने वाला था तो सिस्टर ने आके उसका ब्लड उतारा, बिल्कुल प्यार से सुकून से बिहेव कर रही थी वो सिस्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ था उस हॉस्पिटल का। ये देखिए, उसके बाद ये सेकेंड डे 27 को रेस्ट के बाद 28 को दोबारा हम हॉस्पिटल गए,
सुबह हम 8:30 बजे गए और फिर हम वेट किया कि जब हमारा नंबर आएगा। ये देखिए मैंने वहाँ पे आए हुए लोगों की वीडियो बनाई, तो बहुत अच्छा निज़ाम था हॉस्पिटल का। ये देखिए हर चीज़ आराम से अपने उसके मुताबिक हो रही थी, बुकिंग टाइम के मुताबिक हो रही थी। तो ये देखिए हमने आशा का ब्लड ले लिया मैंने क्रॉस मैच के लिए, और ये देखिए उसको ये पैरों में सुई भी लग चुकी है। और ये देखिए इसके बाद हम इसका ब्लड लेके हमने ये उसका ब्लड है ये हमें क्रॉस मैच के लिए दिया है, देना है अभी। इसके बाद इसका क्रॉस मैच के बाद इसका ब्लड आएगा, तो इसका ब्लड लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ब्लड आ गया यहाँ पे। आयशा को बिल्कुल सामने वाला उसका बेड मिला था एसी के बिल्कुल सामने, लेकिन बहुत चिल्लर चल रहे होते थी, लेकिन बहुत ठंड लग रही थी। आयशा को मैंने इसको चादर दे दी, तो इसने चादर ले ली, फिर इसका ब्लड आ गया, तो हमने इसका ब्लड अटैच कराया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म का मतलब होता है कि किसी को वाइट ब्लड लग रहा होता है, किसी को रेड सेल्स लग रहे होते हैं, तो ये उनके पे होता है का भी किस किस्म का उनको थैलेसीमिया है, किस चीज़ की उनको कमी हो रही है। आयशा को अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया नहीं है, इसको अनीमिया है। इसको सिर्फ बस ज़रा ये जब स्ट्रेस लेती है तो उसको उसको वीकनेस हो जाती है। ये देखिए जी ब्लड आ गया, आयशा को जी ब्लड लग गया, लेकिन इस आज भी ब्लड ने बहुत तंग किया क्योंकि ट्रैक्सर्स होते हैं, तो आगे इसको ठंड लग रही थी जिसका ब्लड भी नहीं चल रहा था। तो स्टाफ ने कहा कि जी आप इसको पीछे ले जाएं, मैं इसको पीछे ले आई, फिर यहाँ पे इसका थोड़ा सा माहौल बेहतर हुआ, नॉर्मल थोड़ा सा हुआ, तो इसका ब्लड थोड़ा सा आराम आराम से चला। बहुत ये एक मुश्किल काम होता है पेरेंट्स के लिए बच्चों को ले जाना और इस ब्लड लगवाना, उसको जितना टाइम ब्लड लगा रहता है वो टाइम ऐसे समझ लें कि माँ बाप के लिए बहुत एक मुश्किल टाइम होता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से तकरीबन जहाँ पे उस दिन जितने भी बच्चे थे सबको खैर सलामती से ब्लड लग गया। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि ऐसे बच्चों का ख्याल रखा करें और प्लीज़ अपने बच्चों की शादियों से पहले उनके टेस्ट करवा लें ताकि वो एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, और उनके लिए आगे भी उनकी फैमिली जब आगे ग्रो करे तो वो अच्छी हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।